एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम करेंगे यहाँ पे एक मेकअप ट्यूटोरियल। तो मैं जा रही हूँ एक वेडिंग पे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू टेक यू अलोंग विद इट। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैंने कर लिया फेस को वॉश, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लॉरियल का रिवाइटल वाला एसेंस सीरम। मेरे पास यहाँ पे छोटा वाली पैकेजिंग है, इसको मैंने ऐसे हैंड पे थोड़ा सा ऐसे किया, एंड देन आई एम गोइंग टू डैब इट ऑन माय फेस। कॉस वेडिंग है तो आप लोग नहीं चाहोगे कि आपका जो वो बेस है वो केकी वगैरह लगे, तो इसलिए स्किन को करो अच्छे से प्रेप, क्योंकि यहाँ पंजाब में तो हो चुकी है सर्दियां शुरू, एंड सर्दियों में जो मेकअप होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। उससे बेटर क्या होता है कि आप लोग हमेशा अपनी स्किन को प्रेप करो। एंड अभी मैं इसको 10-30 सेकंड के लिए अपने स्किन में छोड़ दूंगी, सो दैट ही अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। ठीक है जी, नाउ आई विल बी यूजिंग अ मॉइस्चराइजर। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पॉन्स का सुपर लाइट जेल वाला मॉइस्चराइजर। ठीक है, सो मैं अब नेक्स्ट यूज करूंगी यहाँ पे सनस्क्रीन। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक्वालॉजी का हाइड्रेट ड्यूई सनस्क्रीन। तो ये वाला जो सनस्क्रीन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सूट किया मेरी स्किन को। इससे पहले मैंने लैक्मे हो गया, लॉरियल हो गया, VLCC हो गया, मतलब काफ़ी सारे मैंने सनस्क्रीन ना ट्राई कर लिए हैं, बट ऐसा तो कोई सनस्क्रीन नहीं था जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। कोई वाइट कास्ट छोड़ जाता था, कोई बहुत ज़्यादा हैवी होता था, कोई ऐसे चिपचिप, बट दिस सनस्क्रीन इज जस्ट वाओ। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट ये मैंने अपने पैसों से खुद परचेस किया है, तो आई रियली लाइक इट। एंड इसकी मैंने जो सेकेंड वाला इसका जो वेरिएंट है येलो वाला, मुझे अब उसका नाम नहीं पता, मैंने वो ऑर्डर करके रखा है, तो जब वो आ जाएगा तो आई विल रिव्यू इट इन माय यूट्यूब शॉर्ट्स। कर दिया कैमरा को थोड़ा क्लोज, मैंने आईब्रोज अपने नहीं बनवाए, तो वी आर गोइंग टू सेट इट बाय कंसीलर। एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अपना फेवरेट स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन शेड 0.5, एंड ये फिनिश हो चुका है एज यू कैन सी। तो मेरे को एक बार जब भी पूरा फिनिश होगा फिर उसके बाद मैं नया ऑर्डर करूंगी, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल कंसीलर्स। ओके, सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट। ओके, दिस इज द न्यूट्रल वन। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी थोड़ा सा लाइट सा शेड, सो दैट मैंने जो कंसीलर लगाया मैं उसको हल्का बहुत सेट कर पाऊँ इसी से को। ठीक है, उसके बाद आज जो मेरी ड्रेस है दैट इज पर्पल में सूट पहन रही हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे करूँगी ऊपर लाइट सी कट क्रीज ही करूँगी, एंड यहाँ पे मैं हल्का जैसे टूवर्ड्स ब्राउन्स दूंगी, एंड यहाँ पे मैं पर्पल करूँगी। जाने को मैं वैसे गोल्डन में भी जा सकती हूँ, बट आई फील लाइक गोल्डन इज वेरी कॉमन, सो आई वॉन्ट टू गो फॉर समथिंग कलरफुल, सो या। तो देन उसके बाद आई एम टेकिंग दिस शेड टू क्रिएट माई क्रीज। इसको मैंने करा हल्का सा डिप, एक्सेस को टैप ऑफ, यहाँ पे मैंने अपने हाथ में। उसके बाद यहाँ पे ना ग्रे ब्लैक सा कलर है, ये ब्लैक है, थोड़ा ग्रे ब्लैक है, तो मैं ग्रे ब्लैक से इसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करूंगी आउटर वी की तरफ। वैसे मैं सोचता हूँ मैं थोड़ा सा ना लेट हो चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइफ में वैसे आई फील लाइक कि जब आप जैसे ये मेरी फ्रेंड की वेडिंग है ऑफकोर्स, है ना, तो आई फील लाइक कि कई बार क्या होता है कि जब ऐसे सबकी शादी होनी शुरू हो जाती है ना, दो आई एम प्रिटी अकॉर्डिंग टू मी, मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बट जब मैं ऐसे देखती हूँ ना अपने नोन में, अपने फ्रेंड्स में, अपने बैचमेट्स में, चलो हरी के लिंक में तो आप नहीं होते हो, बट लाइक उनकी स्टोरीज देख ली, है ना, तो यू फील लाइक यार एक्चुअली हम लोग सच में इतने ग्रोन अप हो चुके हैं कि हम लोग शादी जैसी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोग ले रहे हैं, तो आई फील लाइक कि फिर उसके बाद अपने मन को बोल देती हूँ चलो कोई ना अब उनका टाइम है, मैं खुद को ऐसे आंसर दे देती हूँ मैं कि अभी कोई बात नहीं, मेरे में अभी बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, देख ही जाएंगे, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। मतलब आई फील लाइक कि अभी मैं तो जल्दी नहीं करा रही, तो अभी मेरे पास टाइम है, ऐसा टाइप थोड़ा।
तो मैं अब थोड़ा सा ना वही लाइट कलर लेके ना उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं हल्का सा क्रीज देने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक दूसरा पैलेट एंड यहाँ से मैं ये वाला कलर पिक कर रही हूँ, दिस वन पर्पल शिमर में आए वाला। सो ये काफी ज्यादा अच्छा जाएगा मेरे ड्रेस से। वैसे भी डे का है तो आई डोंट वॉन्ट टू मच इन टू द फेस, लाइक मेकअप भी हो सटल सा भी हो आप अच्छे भी लोग। करने में को मैं इसको थोड़ा और इंटेंसिफाई कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ग्लिटर भी है सेम का, बट आई डोंट वांट टू गो ओवर द बोर्ड बिकॉज डे टाइम है, नाइट होती तो ऑब्वियसली मैं स्पार्कल में शिफ्ट करती, बट आई फील लाइक इट्स लुकिंग प्रीटी डिसेंट एंड गुड। सो बस अब मैं ना इसको फटाफट ब्लेंड करके आई मेकअप को ना फिनिश करने ही करूँगी बिकॉज आई एम गेटिंग रियली लेट, सो आई नीड टू पिकअप सम स्पीड यू गाइज। ओके सो यार सो मैं सेम पैलेट मेकअप रेवोल्यूशन का दे रही हूँ एंड इसमें से मैं थोड़ा सा ना पिंक टोन वाला कलर ले लूँगी सो दैट मैं इनको जो यहाँ पे है ना ओके एंड थोड़ा सा फ्रंट फ्रंट से थोड़ा पर्पल को थोड़ा इंटेंसिफाई करके पीछे से जैसा है वैसे ही रहने दूंगी, बस आगे से इसको हल्का सा या दिस इज फाइन। यहाँ पे ना पता नहीं कैमरा ब्लू क्यों कैच कर रहा है बट बेसिकली दिस शैडो इज पर्पल नॉट ब्लू, लाइक प्रॉपर पर्पल टाइप पर्पल। तो चलो इसके बाद हम सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, पिन साइज प्राइमर लिया फटाफट, इसको थोड़ा सा वार्म अप किया एंड सबसे पहले लगाया अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज में। एंड देन जो मेरे हाथ में बर्थ है उसको मैं बाकी में लगा लेती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एवर प्राइमर है गाइस मेरी लाइफ में, जब मुझे पता भी नहीं होता था ना कि प्राइमर का क्या काम है तब मैंने लिया था सस्ता सा, ये था 300 का है, आज का मुझे इसका प्राइस नहीं पता बट ये जब मैंने लिया था तब भी इसका 300 था और मैंने इसको लिया था 280 रुपीज में। चलो प्राइमर को हम बैठने देंगे, तब मैंने पीछे कर दिया अपने फोन को और इसके बाद हम लोग फटाफट कर लेंगे आईब्रोज। सो यहाँ पे ले रही हूँ मैं आईब्रो पेंसिल, ये लोकल मार्केट से ही ली थी सो आई डोंट नो इसका ब्रांड। सिमर हो और दुर्घटना ना घटे ऐसा हो नहीं सकता, वी हैव अ वेरी गुड नॉट गुड रिलेशनशिप बट वी हैव अ रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था बट दुर्घटना ने खुद बना लिया मेरे साथ। अभी मैं जब कैमरा पीछे करने लगी थी तो जिस बैग में मैंने सारा अपना सामान रखा था वो सारा गिर गया पीछे। ठीक है सो आईब्रोज आर डन। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फाउंडेशन इन द शेड क्लासिक 120 आइवरी, जस्ट वन पंप। मेरे यहाँ पे बहुत गंदा सा पिंपल हो गया वैसे। सो हेयर
इट्स टाइम टू यूज हाईलाइटर एंड आई एम यूजिंग माय वन एंड ओनली वेट एंड वाइल्ड हाईलाइटर इन द शेड पैशन। सो हेयर आई एम यूजिंग दिस आई लाइनर, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था 50 रुपीज का। मैंने पैलेट में से उठा के ना लिड शेड लगाया। आई थिंक आई विल चेंज लिटिल इट इनटू सो फटाफट मैं अपने आउटफिट को चेंज कर लेती हूँ एंड आई विल बी बैक।